हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। 8th क्लास में सोशल स्टडी में हम ज्योग्राफी पार्ट करेंगे। ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसका नेम है, वो हम इस क्लास में करने जा रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो किस प्रकार है वो देखेंगे। उसके बाद में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, घनत्व है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशंस है उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स है, जो कारक है, उन कारकों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जो फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस को अफेक्ट करते हैं, उनमें फर्स्ट टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी के अलावा क्लाइमेट, सॉयल, वाटर, मिनरल्स, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशंस को जो है अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स है। इन फैक्टर्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन, मनुष्य को भी संसाधन के रूप में माना गया है। पीपल को भी रिसोर्सेज के रूप में इंक्लूड किया गया है। तो मनुष्य किस प्रकार रिसोर्सेज जो है वो हो सकते हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पीपल आर ए नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। पीपल एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। नेचर्स बॉन्टी बिकम्स सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। तो प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए यूजफुल होती है। नेचर्स की जो बॉन्टी है, बॉन्टी का यहाँ पर मीन है कोई भी देन हो सकती है, प्रकृति की देन, कोई बेनिफिट हो सकता है। तो नेचर्स बॉन्टी बिकम सिग्निफिकेंट, जो नेचर्स की जो बॉन्टी है वो सिग्निफिकेंट्स कब होती है? ओनली वेन पीपल्स फाइंड इट यूजफुल, जब मनुष्य के लिए वो महत्वपूर्ण या उपयोगी होती है। इट इज पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेस। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। हैंस इस प्रकार ह्यूमन रिसोर्सेस इज द अल्टीमेट रिसोर्स। इस प्रकार ह्यूमन रिसोर्सेज ही अंतिम संसाधन होते हैं, अल्टीमेट रिसोर्स होते हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको हम अल्टीमेट रिसोर्स भी कहते हैं, अंतिम संसाधन भी कहते हैं। हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड यानी अभिप्रेरित, उत्साही जो पीपल है वो पीपल अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर देते हैं। जो एजुकेटेड पीपल होते हैं, हेल्दी पीपल होते हैं, मोटिवेटेड पीपल होते हैं, वो रिसोर्सेज को डेवलप कर देते हैं अपने रिसोर्स, अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप वो रिसोर्सेज को डेवलप कर देते हैं। कौन से पीपल? हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। जो दूसरे संसाधन हैं उनकी तरह ह्यूमन रिसोर्सेज वर्ल्ड में समान रूप से वितरित नहीं है। जो अदर रिसोर्सेज है
उनके समान जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल्स, एज एंड सेक्स, अपने शैक्षिक स्तर, आयु, लिंग में वो एक दूसरे से भिन्न है। द डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल्स, एज एंड सेक्स, उनके जो आयु है, उनका जो शैक्षिक स्तर है, उनका जो लिंग है, उनकी दृष्टि से वो डिफर है। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप चेंजिंग। इसके अलावा उनकी उनके जो नंबर्स है यानी उनकी जो संख्या है, संख्या और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट। भारत सरकार के अधीन एक मिनिस्ट्री है जिसका नेम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट, मानव संसाधन मंत्रालय। मानव संसाधन मंत्रालय है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डिपार्टमेंट है। द मिनिस्ट्री वाज क्रिएटेड इन 1985। इस मंत्रालय का गठन 1985 में किया गया विद एन एम टू इंप्रूव पीपल्स स्किल्स। पीपल की जो स्किल्स है उनको इंप्रूव करने के लिए इस मिनिस्ट्रीज का डेवलपमेंट किया गया, इसको एस्टैब्लिश किया गया। दिस जस्ट शो हाउ इंपॉर्टेंट पीपल आर एज अ रिसोर्स फॉर द कंट्री। इससे ये शो होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन है। पिक्चर में आप देख सकते हो, पिक्चर आपको बता रखी है, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन माई स्कूल। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड? देयर आर 30 चिल्ड्रन इन माई क्लास, अराउंड 6.6 बिलियन पीपल। हाउ डू यू राइट देन इन नंबर्स, माई विलेज हैज 1000 पीपल। इस प्रकार जो है ये डिस्कशन कर रहे हैं पीपल्स के बारे में, पॉपुलेशंस के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन यानी जनसंख्या का वितरण, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थ के ऊपर जिस प्रकार लोग फैले हुए हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं, द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। अर्थ के ऊपर पीपल जो स्प्रेड है उस पैटर्न को हम द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं, जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहा जाता है। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 90% से अधिक भाग वर्ल्ड के या भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। हमारा जो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है 90%, वो लिव्स अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। 90% जो पॉपुलेशन है वो लैंड सरफेस के 30% पार्ट के ऊपर रहती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत ही असमान है। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड, कुछ एरियाज है जो वेरी क्राउडेड है, एंड सम आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, और कुछ ऐसे एरिया है जो स्पार्सली पॉपुलेटेड है यानी जहां पर पॉपुलेशन कम रहती है, विरल जनसंख्या है। कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर भीड़ है, कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या कम है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है। द क्राउडेड एरिया आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका।
जो क्राउडेड एरियाज है, यानी जो घने बसे हुए जो क्षेत्र है, उनमें आपके साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है। वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लेटिट्यूड एरियाज, और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में बहुत कम पीपल रहते हैं। वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लेटिट्यूड एरियाज, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, हाई माउंटेन्स एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर वेरी फ्यू पीपल लिव, यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। कहाँ पर कम लोग रहते हैं? एक तो आपके हाई लेटिट्यूड एरियाज, जो हाई लेटिट्यूड एरियाज है वहां पर लोग कम रहते हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में कम लोग रहते हैं, हाई माउंटेन्स जो ऊंचे पर्वत है वहां पर लोग कम रहते हैं, एंड एरिया जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के जो एरियाज है वहां पर लोग बहुत कम रहते हैं। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। इसके अलावा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। साउथ ऑफ द इक्वेटर की तुलना में नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में मैनी मोर पीपल लिव, ज्यादा पीपल रहते हैं। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन टू कंट्रीज, एशिया एंड अफ्रीका। विश्व की जो कुल जनसंख्या है, टोटल जो पॉपुलेशन है उसका उसका 3/4, यानी लगभग 3/4 लोग टू कंटिनेंट्स में रहते हैं, एशिया एंड अफ्रीका। जो दो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उसमें वर्ल्ड्स की जो पॉपुलेशन है उसका 3/4 जो पार्ट है वो इसमें निवास करता है, एशिया एंड अफ्रीका कंटिनेंट्स में। 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। इसके अलावा विश्व के 60% लोग जो है केवल 10 देशों में रहते हैं। 10 कंट्रीज में 60% ऑफ द पीपल वर्ल्ड के वो रहते हैं। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व। क्या आप जानते हैं एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर। हमारे इंडिया की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो 382 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसे कहते हैं वो हम देखते हैं, यानी जनसंख्या का घनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के एक यूनिट एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या को हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं? अर्थ सरफेस के एक यूनिट एरिया में जो पीपल लिविंग करते हैं उनकी नंबर को हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर, और सामान्य रूप से ये प्रति वर्ग किलोमीटर में एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर। हमारे वर्ल्ड की जो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो 51% पर स्क्वायर किलोमीटर है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाई ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। और सबसे जो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो साउथ सेंट्रल एशिया का है, और उसके बाद में ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया का
जो है वो जनसंख्या घनत्व है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस को प्रभावित करने वाले फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, जिसमें फर्स्ट जो फैक्टर्स है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है, भौगोलिक कारक है, उनमें टोपोग्राफी फर्स्ट है। टोपोग्राफी का मतलब होता है सरफेस की जो जो शेप होता है, जमीन या धरातल का जो आकार होता है, आकृति होती है, उसको हम टोपोग्राफी कहते हैं। तो टोपोग्राफी के कारण भी इसका जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अफेक्ट होता है। किस प्रकार होता है वो हम देखते हैं। पीपल ऑलवेज प्रीफर टू लिव ऑन प्लेन्स रादर देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यू। लोग माउंटेन्स और प्लेट्यू की अपेक्षा प्लेन्स में रहना ज्यादा प्रीफर करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं। एंड द प्लेट्यूज बिकॉज दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज। लोग सदैव पर्वतों, पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि बिकॉज दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, क्योंकि ये जो एरियाज होते हैं वो फार्मिंग के लिए सुटेबल होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सुटेबल होते हैं एंड सर्विस एक्टिविटीज के लिए ये जो प्लेन्स होते हैं, ये जो एरियाज होते हैं वो सुटेबल होते हैं। तो एक तो खेती के लिए, निर्माण के लिए या फिर विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं उन एक्टिविटीज के लिए ये जो प्लेन्स होते हैं ये सुटेबल होने के कारण ही यहाँ पर ज्यादा लोग निवास करते हैं। तो लोग कहाँ पर रहते हैं ज्यादा? प्लेन्स में रहते हैं रादर देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यू। प्लेट्यू और माउंटेन्स की बजाय ज्यादातर लोग प्लेन्स में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज। क्योंकि ये जो प्लेन्स होते हैं ये सुटेबल होते हैं फार्मिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड सर्विस एक्टिविटीज के लिए, जो है ये एरियाज सुटेबल होते हैं। द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, वाइल माउंटेन्स लाइक इंडीज, एल्प्स एंड हिमालयाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। तो गंगा प्लेन्स जो है, गंगा के जो समतल मैदान है वो मोस्ट डेंजली पॉपुलेटेड एरिया है वर्ल्ड में, जबकि जो माउंटेन्स एरिया है लाइक एंडीज, आल्प्स, हिमालयाज, ये जो है विरल जनसंख्या वाले रीजन्स है। तो किस प्रकार जो टोपोग्राफी होती है वो भी इस पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशंस को अफेक्ट करती है, ये हमने देखा कि लोग जो है प्लेन्स वाली टोपोग्राफी पर ज्यादा निवास करते हैं बजाय माउंटेन्स एंड प्लेट्यू के। सेकंड है हमारा जो फैक्टर जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस को अफेक्ट करता है, क्लाइमेट। क्लाइमेट के कारण भी लोग जो है वो किस प्रकार निवास करते हैं, किस मौसम में या किस क्लाइमेट में ज्यादा पीपल रहते हैं। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, लाइक सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा एंड एंटार्कटिका। लोग सामान्य रूप से जो एक्सट्रीम जलवायु होती है, जो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होती है, जैसे कि वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, वहां पर कम रहना पसंद करते हैं। लोग सामान्य रूप से जो एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है वहां पर वो रहने से बचते हैं, वहां वो नहीं रहते हैं। जैसे कि सहारा डेजर्ट है वहां लोग कम रहते हैं, पोलर रीजन्स हैं जो ध्रुवीय क्षेत्र है ऑफ रसिया, कनाडा, एंटार्कटिका। अंटार्कटिका, कनाडा, रसिया के जो पोलर रीजन्स है वहां पर भी कम लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर एक्सट्रीम जलवायु, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स पाया जाता है, इसलिए वहां लोग रहने से बचते हैं। थर्ड जो फैक्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस को अफेक्ट करने वाला वो है सोइल। फर्टाइल सोइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल सोइल जो है वो सुटेबल लैंड प्रोवाइड करवाती है।
जहां पर फर्टाइल सोइल होती है वहां एग्रीकल्चर अच्छी होती है। फर्टाइल प्लेन सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया होंगे, चांगजियांग इन चाइना एंड द नील इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड। यही कारण है कि जहां पर सुटेबल लैंड होती है, जहां पर फर्टाइल सोइल पाई जाती है, वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। जैसे कि हमारे इंडिया में गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है जहां पर अच्छी सोइल पाई जाती है, जो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल लैंड है, वहां पर ज्यादा पीपल निवास करते हैं। इसके अलावा चाइना में चांगजियांग वैंगही ये प्लेस है जहां पर लोग ज्यादा निवास करते हैं, और इजिप्ट में जो नील है ये डेंजली पॉपुलेटेड एरियाज है, क्योंकि यहाँ की जो सोइल है वो फर्टाइल सोइल है। फर्टाइल सोइल जो है प्रोवाइड करवाती है सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इसी कारण लोग इन क्षेत्रों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाला है, वाटर। पीपल प्रीफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल। लोग वहां पर रहना प्रीफर करते हैं जहां उनको फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता है। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड। जो वर्ल्ड के जो वैली रिवर है, नदी घाटियां हैं, वो डेंजली पॉपुलेटेड है क्योंकि वहां पर फ्रेश वाटर लोगों को मिल जाता है। वाइल डेजर्ट्स हैव स्पेयर पॉपुलेशन। जबकि डेजर्ट्स जो होते हैं वहां पर पॉपुलेशन जो है स्पेयर रूप से पाई जाती है, कम पाई जाती है, विरल रूप से पाई जाती है। तो जो वाटर है, ये वाटर फैक्टर भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। जहां पर वाटर मिलता है वहां लोग रहते हैं, और जहां पर वाटर नहीं मिलता है वहां पर लोग कम रहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस को अफेक्ट करने वाला, वो है मिनरल्स। जहां पर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, वहां पर पीपल जो है अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए ज्यादा रहते हैं। एरियाज विद मिनरल डिपोजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। खनिज डिपोजिट्स वाले, मिनरल डिपोजिट्स वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। एरियाज विद मिनरल डिपोजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड, यानी मिनरल डिपोजिट्स वाले जो एरियाज है वो मोर पॉपुलेटेड है। डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की जो डायमंड माइंस है, हीरे की खान है, एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडिल ईस्ट लीड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज। इसके अलावा मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए मोटिवेटेड किया है, इनको प्रेरित किया है। ये तो थे आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट जो है हमारे सोशल कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस को अफेक्ट करते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण, जिसमें फर्स्ट है सोशल रीजंस, सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स किस प्रकार पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस को अफेक्ट करते हैं? एरियाज और बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंजली पॉपुलेटेड। अच्छे आवास, शिक्षा की अच्छी सुविधा, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र, ये अत्यधिक डेंजली पॉपुलेटेड है। जहां पर हाउसिंग की व्यवस्था हो, एजुकेशन की व्यवस्था हो, हेल्थ की व्यवस्था हो, वो क्षेत्र जो है डेंजली पॉपुलेटेड है, वहां पर जनसंख्या का अधिक निवास होता है। जहां पर हाउसिंग की अच्छी व्यवस्था हो, एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था हो और हेल्थ फैसिलिटीज वहां पर हो, तो वो क्षेत्र डेंजली पॉपुलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल पुणे, जैसे पुणे पुणा जो क्षेत्र है महाराष्ट्र में, वहां पर हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज की अच्छी व्यवस्था होने के कारण ये डेंजली पॉपुलेटेड एरिया है। नेक्स्ट है कल्चरल, सांस्कृतिक कारक। प्लेसेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी ऐसे स्थान जो धर्म के मामले में इंपॉर्टेंस रखते हैं, कल्चर के मामले में इंपॉर्टेंस रखते हैं,
ऐसे जो प्लेसेज होते हैं वहां पर ज्यादा लोग निवास करते हैं। तो कल्चरल फैक्टर्स भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाले कारकों में शामिल है। रिलीजन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल, जैसे कि वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी आर सम एग्जांपल्स। ये कुछ एग्जांपल्स है जहां पर डेंजली ये एरिया जो है पॉपुलेटेड है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जो फैक्टर है वो भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस को अफेक्ट करता है। इंडस्ट्रियल एरिया प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो पीपल को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता है। जहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है वहां पर लोग ज्यादा निवास करते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं उन इंडस्ट्रियल एरियाज में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसलिए लोग वहां पर ज्यादा निवास करते हैं। तो इंडस्ट्रियल एरियाज जो होते हैं वो डेंजली पॉपुलेटेड होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज। बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर पीपल जो है अट्रैक्टेड होते हैं। ओसाका इन जापान, जैसे जापान में ओसाका है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ पर ज्यादा लोग निवास करते हैं क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एंड मुंबई इन इंडिया, इंडिया में जो मुंबई है वो भी डेंजली पॉपुलेटेड एरियाज में आता है क्योंकि मुंबई में लोगों को एम्प्लॉयमेंट आसानी से मिल जाता है, इस कारण लोग वहां पर ज्यादा निवास करते हैं। तो ये जो है फैक्टर्स है जिनके कारण जो है लोग इन एरियाज में ज्यादा निवास करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है पॉपुलेशन चेंज। इस पॉपुलेशन चेंज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।